फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीपिका और एक नए ब्लॉग के साथ फिर हूँ आपके संग। मैंने पूजा कर ली है माता रानी की। जय हो माता रानी। और मैं फूल माता को चढ़ा रही हूँ इस तरह से। जय माता रानी। देव अपनी हमेशा मेरी अपने परिवार पर अपनी कृपा बना के रखना। मेरी माता रानी या आपका ही परिवार है, आपके बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी प्राणी। तो अब ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी सबका भला करना, मेरा भी भला करना, और बुरे लोगों से, बुरी संगति से हमेशा दूर रखना। बस मेरा यही उद्देश्य है। मैं आपको माता रानी इसलिए दिखाती हूँ कि बड़ी शांति महसूस होती है जब हम बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरी हों, या कभी ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हुई हो जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, ये बातें एक्स वाई जेड है। तो चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं फिर से। अम्बे मियाँ का चमचमाता मंदिर। मेरा सारा वर्क हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ने जितने भी हैं। और अब मुझे अथर्व के लिए बनानी है रोटियाँ, जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखा है। और मेरे को फटाफट से बनाना है खाना, सॉरी रोटी उसके लिए, और उसको तैयार करके स्कूल भेजना है। तो फ्रेंड्स, मैंने पैक कर दिया है नाश्ता और बना दिया है ससुर जी के लिए जूस और ये है गर्म पानी। तो चलते हैं देने के लिए। बच गए हैं शाम के 5:30 और मैंने फ्रूट्स काट लिया अपने ससुर जी के लिए। और अब फटाफट से उनके लिए अनानास का जूस बनाना है। और सब्ज़ी भी काट के रख दी है मैंने, क्योंकि थोड़ा वॉक करके आऊँगी। और एक दो दिन से ही वॉक कर रही हूँ। वैसे ही आजकल इधर बाग भी लगा हुआ है, तो दिन दिन में चले जाएँगे और जल्दी से आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।